फार्माकोलॉजी में ना काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स के ग्रुप्स होते हैं, तो उनमें से एक ड्रग्स का ग्रुप है एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स के भी फिर आगे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं, तो उसमें से एक ग्रुप है सेफलोस्पोरिन। अब सेफलोस्पोरिन की भी चार जनरेशन है। अब उसकी जो इवन जो उसकी सिर्फ फर्स्ट जनरेशन है वो इस तरह शुरू होती थी, सेफालेक्सिन, सेफाजोलिन, सेफाड्रॉक्सिल, सेफापिरिन, सेफास्टीराइल, इतनी सारी ड्रग्स थी और अभी 16 ड्रग्स और थी। सो इस टाइम पे जो है ना, जब मैंने 6 ड्रग्स याद की तो मेरा ब्रेन जो है ना एकदम फुल हो गया और उसने कहा मैं और कोई चीज़ नहीं याद कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनार, बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। ना बेसिकली टू टाइप्स की मेमोरीज हैं, एक को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक को कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी तब बनती है जब हम बहुत ही किसी चीज़ पर फोकस करें, और लॉन्ग टर्म मेमोरी वो वाली मेमोरी होती है जो हमारी ब्रेन में हमेशा के लिए या बहुत अरसे तक के लिए स्टोर हो जाती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, ये हम 4 to 7 ऑब्जेक्ट्स जो है ना एट अ टाइम होल्ड कर सकते हैं अपने ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो ये समझ लें एक नैरो सी जो कैनाल मैंने आपको बताई है वो हमारी बेसिकली एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जिसमें से 4 से लेके 7 चीज़ों ने आना है और वो फिर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाएगी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ना वो हमारी एक ओशन है जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो है ना समझ लें कि शिप्स खड़ी हुई हैं, और जो हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो बेसिकली एक छोटी सी बोट से आ रही है। वो हम 4 या 7 चीज़ें जो है ना वो हम होल्ड कर सकते हैं। आप समझ लें कि अब हमारे पास एक बोट है जिसको हम पैडल करें, और पैडल करते हुए ना हम बड़े ध्यान से कर रहे हैं, क्योंकि एक भी मोमेंट आया जिसके अंदर से हमारा ध्यान हटा तो वो 4 to 7 चीज़ें जो है ना वो कैनाल के अंदर गिर जाएंगी और फिर वो कभी हमें नहीं मिलेंगी। तो जब ये टाइम होता है जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में फोकस कर रहे होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसके अंदर अपने मेमोरी को ऊपर होल्ड करना होता है ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाए। अब ये जो बोट है छोटी सी बोट है, ये जा रही है जा रही है जा रही है, तो उसने अब आपने बहुत ध्यान किया, कोई भी चीज़ गिरने नहीं दी, अब वो ओशन में पहुंच गया। अब उस भरे समंदर के अंदर ना बहुत सारी बोट्स खड़ी हुई हैं, उस बोट्स के अंदर जो है ना कुछ बहुत बड़ी क्रूज़र शिप्स हैं, कुछ छोटी क्रूज़र शिप्स हैं, कुछ बहुत ही बड़ी क्रूज़र शिप्स हैं। अब जो आपने चीज़ें पकड़ी हुई हैं ना, उनमें से 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से ला रहे थे। उसमें या तो आपके कोई कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं या हमारे फैक्ट्स हो सकते हैं। अब फैक्ट्स जो है ना वो डिफरेंट तरह के होते हैं, वो अमूमन जो है ना एक कंक्रीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, एक समझ लें कि ऐसा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो वहाँ रखा हुआ है। और जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली वो वर्किंग पिक्चर होती है, वो हमारे दिमाग के अंदर एक तस्वीर होती है या मूवी होती है। तो आप समझ लें कि आपने अपने बोट के अंदर 3 जो है ना उन लोगों को बिठाया हुआ है जो कि असल में लोग हैं यानी पिक्चर्स हैं, और एक जो है ना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि अपनी बोट जो कि छोटी सी बोट थी उससे ना बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, आप आराम आराम से पैडल करते हुए आ रहे हैं। अब आप एंटर होते हैं ओशन में, जब ओशन के अंदर होते हैं तो आपको सामने इतनी क्रूज़र शिप्स मिलती हैं, आप जल्दी जल्दी पैडल करते हैं, अपने जो बंदे आपके साथ बैठे होते हैं या जो पिक्चर्स इमेजेस बैठे होते हैं उनको जाके क्रूज़र शिप्स में ऑफलोड कर देते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा रह जाता है, अब इस ऑब्जेक्ट का क्या करना है? अब मसला यह है कि आप क्रूज़र शिप्स की तरफ देख रहे हैं, अब क्रूज़र शिप्स वाले ने लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली पैसेंजर्स अलाउड, कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो अब आप ढूंढना शुरू करते हैं कि अब मैंने ये जो मेरे साथ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है अब इसको मैंने कहाँ रखना है। तो आप ढूंढना शुरू कर देते हैं पूरे ओशन में, आप ढूंढ रहे हैं, आखिरकार आपको छोटा से जो है ना एक लोडर शिप मिलती है। आप जल्दी से उसके पास पहुँचते हैं और आप कोशिश करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप उसमें लोड कर सकें। तो आपने ऑब्जेक्ट है इसको आपको स्टोर करने के लिए, इतना छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए आपको पूरा ओशन घूमना पड़ रहा है और एक जो है ना छोटी सी लोडर शिप ढूंढनी पड़ रही है। अगर वो लोडर शिप फुल है तो आप इस ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर सकते। सो आप क्या करते हैं, फिर आप एक लात मार के एक ऑब्जेक्ट गिराते हैं और फिर एक फैक्ट को स्टोर करते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली एक फैक्ट है। फैक्ट जो है ना कंक्रीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ये यूजली जो है ना आंसर करता है व्हाट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि फर्ज करें कि ये बोन इसका नाम क्या है, ये एक फैक्ट है। इस बोन की लेंथ क्या है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन ये बोन की वर्किंग जो है ना ये बेसिकली एक पिक्चर में या आप इस समझे कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट एज अ पिक्चर फॉर्म के अंदर आप डिफरेंट क्रूजर शिप्स या डिफरेंट जो है ना जो आपकी क्रूज काफ़ी ज़्यादा आपकी ब्रेन के अंदर जगह है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट या फैक्ट है ना इसको स्टोर करना एक प्रॉब्लम है। एक तो ढूंढने में बहुत टाइम लगा है उसके अंदर, और दूसरा उसके अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है उस लोडर छोटी सी लोडर शिप में। क्या हमारे ब्रेन के अंदर रिप्रेजेंटेशन है कि बाकी जो है ना कॉन्सेप्ट्स के लिए, पिक्चर्स के लिए, मूवीज के लिए उसने इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन रखी हुई है कि पूरे ओशन में इतनी इतनी क्रूजर शिप्स हैं, एक छोटी सी लोडर बोट रख दी है फैक्ट्स जमा करने के लिए, तो क्या वजह है? तो असल में हुआ ही हो कि जब हमारे एवोल्यूशनरी प्रोसेस में थे, हम केव्स के अंदर रहते होते थे, तो जब हम ढूंढने जाते थे कोई खुराक वगैरह,
तो फिर जब हम खुराक ढूंढ रहे थे तो हम देखते थे कि हमारे पीछे एक जानवर लग रहा है जिसके ऊपर स्ट्राइप्स हैं, तो उस टाइम हमारे जहन के अंदर ये चीज़ नहीं आती थी कि हमने इसको नाम देना, क्यों ना हम इसको एक नाम दे दें। हम जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते थे, हमारा ब्रेन भी उस टाइम याद करने की कोशिश कर रहा होता था कि यार वो केव मैंने किधर छोड़ा था, कहीं वो मैं केव ना भूल जाए, तो हमारे ब्रेन फ़ौरन वो पिक्चर्स याद कर रहा होता है, अच्छा वो इस पहाड़ की इस जगह था, अच्छा इस पहाड़ की इस जगह था। तो ये जो हमारी एक पिक्चर या मूवी बन रही होती है, ये हमें बेसिकली हमारे अंदर सर्वाइवल ला रही थी। तो जो जानवर हमारे पीछे स्ट्राइप्स वाला जानवर लगा हुआ है, उसकी स्पीशीज़ हम बाद में देख लेंगे, पहले अपने आप को सेव करना है। तो इस तरह हमारे ब्रेन के अंदर ना ये रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होती गई कि हमने पिक्चर्स और मूवीज़ या कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से याद करना है एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्स के, फैक्ट्स को हम बाद में देख लें। तो और यही रिप्रेजेंटेशन अभी तक कैरी ऑन हो रही है। लेकिन अब हमारे पास एक तरीका है अपने ब्रेन को ना हल्का सा ट्रिक करने के लिए। वो ट्रिक ये है कि हमने फैक्ट्स को इस तरह स्टोर कर रहे हैं कि वो इमेजेस वाले पोर्शन में चला जाए, यानी कि वो पिक्चर्स वाले पोर्शन में चला जाए, और वो उसे बंदा समझ करके क्रूजर शिप्स में जगह दे दे। तो इसके लिए हमने सिंपल सा जो है ना अपने ब्रेन के अंदर एक चीज़ करनी है, उसमें यह है कि हमने फैक्स को पिक्चर्स में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट के अंदर जो सेफलोस्पोरन की हमने फर्स्ट जनरेशन की 6 ड्रग्स थी उनको हमने याद करना है, तो हम किस तरह याद करेंगे? सो इमेजिन करें कि आप एक बड़े से समंदर के अंदर जा रहे हैं और एट एंड ऑफ द वर्ल्ड जो है ना एक बहुत बड़ी फॉल आ रही है, जिसको हम कहेंगे सी फॉल आ रही है। तो आपने उस सी फॉल के अंदर आप गिनने वाले हैं। सबसे पहले जो है ना आप जब जा रहे होते हैं ना अपनी बोट में बैठे हुए, तो आप सामने सी फॉल देखते हैं तो बड़े आप रिलैक्स होते हैं। जैसे ही आप सी फॉल देखते हैं तो जो ड्राउजी होने लग जाते हैं, शायद मैं नींद में हूँ, लेकिन नहीं, आप नींद में नहीं, तो आप अब आपको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, आप इल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर अब आप ग्राउल करना शुरू कर देते हैं, आप चीखे थोड़ा सा मारना, ग्राउलिंग कर रहे होते हैं। उसी टाइम जो है ना एक एंजल या परी जो है ना वो हमारी मदद के लिए आती है, और उसने ग्लव्स पहने होते हैं, स्टीराइल ग्लव्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और उसके बाद वो एक लॉग उठाती है, यानी कि एक लकड़ी जिसको लॉग कहते हैं वो उठाती है, उसको वो स्टॉप करती है वहाँ, और हमारी जो शिप है उसके साथ आके रुक जाती है। अच्छा, ये जो उसने शिप हमारी रोकी है, तो वो उसके ऊपर जो है ना एक लाइस फेर रही होती है, जू फेर रही होती है, वो बेचारी इस प्रोसेस के अंदर मारी जाती है, लेकिन एटलीस्ट हम बच जाते हैं। अब ये एक मूवी सी है जो आपने अपने जहन में रखनी है। अब इस मूवी से हम याद करेंगे कि हमने जो हमारी ड्रग्स हैं सेफलोस्पोरिन की फर्स्ट जनरेशन, उसको हमने कैसे रिकवर करना है। तो सी फॉल से आपने याद कर लेना है कि सब ड्रग्स के आगे सीफा लग रहा है। तो सबसे पहले जो है ना क्या हुआ था कि जब जो हमारी सीफॉल में हमने देखा तो हम रिलैक्स थे, तो हमने री हटा देना है सीफा लेक्सिन। दूसरी ये चीज़ थी कि हमने जब रिलैक्स होने के बाद सबसे पहले हम ड्राउजी हुए थे, कहीं हम ड्रीम तो नहीं देख रहे, तो उसके अंदर हमने याद रखना है सीफा ड्रॉक्सिल, और ड्राउजी और इल को मिला के हमारा सीफा ड्रॉक्सिल बन गया है। उसके बाद जो है ना हम ग्राउल करने लग गए थे, तो हमने ग्राउल में जी के बजाय अब हमारा जी होगा, तो हमने सीफा जोलिन हो जाएगा, ग्राउलिंग की बजाय हमारा सीफा जोलिन, ठीक है। तो हमने जी को रिप्लेस कर दिया है जी के साथ, क्योंकि जी का कोई मुझे मिल नहीं रहा था और मैं जी को जू को इधर फिट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इसे ग्राउलिन से जूलिन जो है ना वो रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जो है ना अब एक परी जो आई थी उसका क्या होगा, सीफा फिरिन हो जाएगा। फिर उस परी ने क्या किया था, उसने स्टीराइल ग्लव्स पहने हुए थे, तो सीफा स्टीराइल, तो हमारी पांचवी ड्रग हो जाएगी। और उसके बाद उसने एक लॉग उठाई थी जिसके ऊपर एक लाइस मर गई थी, तो सीफा लॉगलाइसिन। तो ये हमारी ड्रग्स जो है ना वो हमें इस तरह करके याद हो गई हैं छः। तो ये बहुत ही रैंडमली और जल्दी जल्दी बनाई हुई थी, तो ये इस तरह करके एक चीज़ बनी है। हो सकता है कि आप इससे बेहतर बना सकें और पूरी की पूरी 16 ड्रग्स की एक स्टोरी बना दें, कि जब आपसे कोई बंदा पूछे फर्स्ट जनरेशन ऑफ ड्रग्स की तो आप ठक ठक सुनाएं। हमने क्या किया कि हमने जो याद करनी थी ड्रग्स, सिफापरिन, सिफा लॉगलाइसिन, सिफा ड्रॉक्सिल, सिफा अजोलिन, ये सारी ड्रग्स जो है ना अब हमने एक तरह उनको डिस्काइज बना दिया है कि ये एक पिक्चर्स हैं, और अपने ब्रेन के हमने उस पोर्शन में स्टोर कर दिया है जहाँ पिक्चर्स या क्रूजर शिप्स के अंदर जहाँ जो है ना पैसेंजर स्टोर होते हैं। तो इस तरह हम एक लॉन्ग टर्म लर्निंग कर सकते हैं, और ये शायद अगर हम अपने जहन में थोड़ा सा और इसको इमोशनली चार्ज थोड़ा और बना लेंगे ना, तो बहुत अरसे तक हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर रह सकेगी ये चीज़। अगर हमने ये फैक्ट एक बनाया है, लेकिन हमने इसे कैसे मैंने कन्वर्ट किया है पिक्चर में, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिसका मैं लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह हम अपने फैक्ट्स को ना पिक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ जो है ना तो और जो ब्रेन जो है ना फिर हमारा काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग उसको याद रखता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।